सो हे गाइस, आई एम आरएनड, वेलकम बैक विद न्यू अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हो सारे? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो ये वाले फोटो पे हम लोग करने वाले हैं मोदी की इंटर। सो गाइस, मैंने इस वीडियो में सारा कुछ आपको समझाया कि कैसे इसको एडिट करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो को देखना, तभी आपको ये टोन डालने आएगा। नहीं तो अगर किसी पार्ट्स को स्किप करते हो तो आपको ये टोन डालने नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट कोई ना, हम लोग इस वीडियो में इजीली सीख जाएंगे कि इसको कैसे एडिट करना है। सर, आपको पता है मैं इसका प्रीसेट भी देने वाला हूँ, लेकिन ये पासवर्ड होगा तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा। और कुछ बोल रहे हैं कि भाई इसका पासवर्ड दे दो। भाई, पासवर्ड दे देंगे, आप पहले वीडियो तो पूरा देखो, आपको पूरा पासवर्ड मिल जाएगा वीडियो में ही है। और इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको अपने लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोग सिंपली क्या करना है, अपना जो फोटो एडिट करना चाहते हो वो वाले फोटो को अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। सो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम पहले इसको लाइट को एडजस्ट करेंगे। सो मैंने इसका फेस स्मूथ पहले से ही कर रखा है। सो अभी तक आप फेस स्मूथ का वीडियो नहीं देते, वीडियो देख लें, आपको टोटली बताया मैंने अपने फेस को कैसे रिटचिंग करते हैं। सो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आई बटन पर शो कर रहा होगा, आप वहाँ से इजीली देख सकते हो और सारा कुछ सीख सकते हो। सो सबसे पहले हम लोग अपने लाइट को एडजस्ट करेंगे। तो चलते हैं यहाँ से लाइट एडजस्टमेंट टूल पर, और हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कॉन्ट्रास्ट को जो है अपना कम करेंगे। सो मैं इसको माइनस तरफ कर लेता हूँ कॉन्ट्रास्ट को। सो मैं कुछ इतना माइनस तरफ रखता हूँ, और गाइस हम लोग अपने हाईलाइट को माइनस तरफ रखते हैं। सो मैं कुछ इतना रखता हूँ माइनस तरफ, और इसके शैडो को बढ़ा लेना है। सो मैं इसके शैडो कर लेता हूँ कुछ इतना, और गाइस हम लोग इसके वाइट्स को भी बढ़ा लेंगे। सो मैं इसके वाइट्स को कर देता हूँ कुछ इतना प्लस तरफ, और इसके ब्लैक्स को भी हम लोग प्लस तरफ करेंगे। सो जो हमारा ब्लैक पार्ट होगा वो वाइट हो जाएगा, थोड़ा सा वहाँ पे डार्कनेस जो है हट जाएगा। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली चलेंगे यहाँ से ये कर्व टूल पे, और हम लोग यहाँ से पहले कर्व को क्रिएट करेंगे। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं तो वाइट कर्व पे। सो मैं जल्दी इस पर वीडियो लेकर आऊँगा, कर्व को कैसे यूज़ करते हैं सारा कुछ मैं उसमें आपको बताऊँगा। सो इस कर्व को क्रिएट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, जिससे वीडियो बहुत बड़ा होगा। सो मैं एक कर्व का स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप वीडियो पॉज करके कर्व को देख सकते हो, वैसा क्रिएट कर सकते हो। सो मैं जल्दी जल्दी इसको क्रिएट कर लेता हूँ। सो गाइस, हमारे यहाँ पर कर्व क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ से डन कर देंगे, और डन करने के बाद हम लोग चलेंगे सिंपली यहाँ से कलर टूल पे। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेम्परेचर को इसको माइनस तरफ करेंगे। सो मैं इसको माइनस 4 रखता हूँ, और टेंट को हम लोग माइनस तरफ कर देना है। सो मैं इसको माइनस कुछ इतना रखता हूँ गाइस, और उसके बाद हम लोग वाइब्रेंस को बढ़ा लेंगे। सो वाइब्रेंस को मैं इतना रखता हूँ, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली चलेंगे यहाँ से ये कलर मिक्सर टूल पे, और वैसे हम लोग रेड और ऑरेंज को नहीं छेड़ेंगे, हमारा स्किन कलर हो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग येलो की तरफ चलते हैं, और हम लोग इसके ह्यू को माइनस तरफ रखते हैं। सो मैं इसको माइनस इतना रखता हूँ, और सैचुरेशन को माइनस तरफ करना है। सो माइनस कुछ इतना रखना है गाइस, और हम लोग इसके लुमिनस को बढ़ाना है। सो मैं इसके लुमिनस को करता हूँ प्लस तरफ, सो इतना सही है। उसके बाद हम लोग चलते हैं सिंपली ये ग्रीन टोन पर, और ये वाले की सिचुएशन को हम लोग माइनस तरफ करना है। सो माइनस 11 कुछ इतना सही है, और इसके ह्यू को हम लोग करना है प्लस तरफ। सो प्लस कुछ इतना परफेक्ट है, और इसके लुमिनस को हम लोग बढ़ा लेंगे। सो मैं इसके लुमिनस कर लेता हूँ कुछ इतना सही है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे यहाँ से ये टिल कलर पे, और जो इसके ह्यू है हम लोग इसको माइनस तरफ कर देना है। सो माइनस कुछ इतना रखते हैं, सो कुछ इतना रखते हैं, और इसका सैचुरेशन को हम लोग करेंगे माइनस तरफ। सो माइनस कुछ इतना सही है, और इसके लुमिनस को हम लोग प्लस तरफ कर लेंगे। सो प्लस इतना, और इसके बाद हम लोग चलेंगे ये ब्लू टोन पे, और इसका भी सैचुरेशन हम लोग डाउन कर लेंगे। सो इसको रखते हैं हम कुछ इतना, और इसके लुमिनस को हम लोग बढ़ा लेंगे। सो इतना सही है प्लस तरफ, और इसके जो ह्यू है हम लोग प्लस तरफ करना है। सो प्लस कुछ इतना सही है, और उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ से ये पर्पल टोन पे, और जस्ट हम लोग इसके सैचुरेशन को डाउन कर देंगे, जो हमारा पर्पल होगा वो हट जाएगा, और इसके जो लुमिनस है हम लोग बढ़ा लेंगे। सो कुछ इतना रखते हैं, और इसके बाद हम लोग चलते हैं मैजेंटा टोन पे गाइस, और इसके सैचुरेशन को माइनस तरफ करेंगे। सो माइनस कुछ
इतना, और इसके लुमिनस को भी हम लोग कम कर लेंगे, सो इतना सही है। उसके बाद हम लोग यहाँ से डन कर देंगे, और इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली चलेंगे यहाँ से ही कलर ग्रेडिंग टूल पर, और हम लोग गाइस जस्ट इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे और इसके सेचुरेशन को हम लोग बढ़ाएंगे। सो सेचुरेशन कुछ रखते हैं इतना, और ह्यू को हम लोग बढ़ा लेंगे। सो कर लेते हैं हम लोग ह्यू को कुछ इतना, इतना सही है। सो हम लोग ग्रीन तरफ ही लेकर जाना है। उसके बाद हम लोग मिड टोन पे चलेंगे और जस्ट हम लोग थोड़ा सा इसका स्किन का कलर देंगे और हम लोग इसके सेचुरेशन को बढ़ा लेंगे। सो सेचुरेशन कुछ करते हैं हम लोग इतना, सही है। और इसका जो ह्यू है इसको हम लोग रखते हैं यहाँ पर हमारे स्किन के कलर के पास, और हम लोग इसके जस्ट लुमिनस को बढ़ा लेंगे। सो इसको रखते हैं हम लोग कुछ इतना, और उसके बाद हम लोग यहाँ से हाईलाइट पर चलेंगे और हम लोग हाईलाइट के जो सेचुरेशन है उसको बढ़ा कर कर लेंगे 25 कुछ, सही है। और इसका जो ह्यू है उसको हम लोग कर लेंगे कुछ इतना, सो ये सही है। और इसके जो लुमिनस है इसको हम लोग +4 कर लेंगे। और गाइस हम लोग यहाँ से ब्लेंडिंग और बैलेंस को छेड़ेंगे, सो हम लोग ब्लेंडिंग को कर लेते हैं 22 कर लेना है इसको, सही है। और बैलेंस को हम लोग कर लेंगे प्लस तरफ, सो +40 कुछ 44 कर लेते हैं गाइस। और इसके बाद हम लोग यहाँ से डन कर देंगे। सो आप देख सकते हो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली चलेंगे यहाँ से सेलेक्टिव टूल के अंदर और जो काम होगा हम लोग यहाँ पे करेंगे। सो आपके पास इसका अनलॉक वर्जन होना चाहिए, अगर आपके पास इसका अनलॉक वर्जन नहीं है तो आप मेरे को इंस्टा पे DM करो, मैं आपका इसका अनलॉक वर्जन दे दूँगा। मैं यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि मेरा चैनल बंद हो सकता है, आप समझ सकते हो। सो आप इंस्टा पे DM करो, मैं आपको वहाँ दे दूँगा, आप वहाँ से इजीली आप में चल जाएगा। सर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से प्लस वाला आइकन पे चलेंगे और जस्ट हम लोग यहाँ से एक लेंगे रेडियल ग्रेडियंट, और यहाँ पर हम लोग ऐसे क्रिएट करेंगे बॉडी के पास जो मेरा डार्क पार्ट है उसके पास हम लोग जस्ट ऐसे क्रिएट करेंगे। और क्रिएट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हम लोग यहाँ से चलेंगे ये लाइट एडजस्टमेंट टूल पर और इसका जो एक्सपोजर है उसको हम लोग थोड़ा सा माइनस तरफ करेंगे। सो माइनस कुछ इतना रखते हैं, सही है। और हम लोग यहाँ से चलेंगे ये कलर मिक्सर टूल पर और हम लोग टिंट को गाइज हम लोग माइनस तरफ कर लेंगे। सो कुछ इतना रखते हैं टिंट को, सही है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको यहाँ से डन करेंगे और उसके बाद गाइज हम लोग यहाँ से फिर वापस प्लस वाला आइकन में चलेंगे और हम लोग जस्ट यहाँ से करेंगे सेलेक्ट सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, जो हमारा पीछे का पार्ट है उसको हम लोग डार्क करेंगे। तो यार हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे जस्ट इसको इन्वर्ट। सो यहाँ पर आपको दिख रहा हो लेफ्ट में छोटा सा बॉक्स टाइप का, हम लोग इस पर टैप करके इसको इन्वर्ट कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पर ये इसको इन्वर्ट कर लिया और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इस पर चलेंगे यहाँ से लाइट एडजस्टमेंट टूल पर और हम लोग एक्सपोजर को कम कर लेंगे। सो मैं इसको कुछ इतना रखता हूँ और गाइस हम लोग इसके जो टेम्परेचर है इसको माइनस तरफ करेंगे। सो हम लोग चलते हैं कलर टूल पर और इसको टेम्परेचर को हम लोग माइनस तरफ करेंगे। सो कुछ इतना रखते हैं और इसके टिंट को हम लोग माइनस तरफ करना है। सो मैं इसको इतना माइनस तरफ रखता हूँ गाइस, और जो इसका ह्यू है इसको हम लोग प्लस तरफ करेंगे। सो कुछ हम लोग इसको इतना रखते हैं और जो हमारा सेचुरेशन है इसको डाउन कर लेंगे। सो मैं इसको कुछ इतना डाउन करता हूँ और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वापस इस पर टैप करेंगे बॉक्स पर और यहाँ चलेंगे प्लस वाले आइकन पर और जस्ट हम लोग यहाँ पर एक रेडियल ग्रेडियंट लेंगे और हम लोग यहाँ पर ऐसे क्रिएट करेंगे अपने बॉडी के पास में और एक विग्नेट टाइप का हम लोग बनाएंगे और यहाँ से जस्ट बॉक्स पे क्लिक करना है और इसको इन्वर्ट कर लेना है। सो कुछ है इतना, और हम लोग इसके थोड़ा सा फेदर को बढ़ा लेंगे। सो मैं इतना कर लेता हूँ और इसको माइनस तरफ करना है। सो माइनस कुछ इतना करना गाइस और यहाँ पर ये परफेक्ट है। उसके बाद हम लोग वापस ये वाले बॉक्स पर टाइप करेंगे और यहाँ से चलेंगे प्लस वाला आइकन पे और एक और रेडियल ग्रेडियंट लेंगे और अपने यहाँ से फेस के ऊपर क्रिएट करेंगे ऐसे जस्ट, और चलेंगे यहाँ से लाइट एडजस्टमेंट टूल पर और हम लोग वाइट्स को कम कर लेंगे। सो मैं इसको कुछ इतना रखता हूँ। उसके बाद हम लोग जस्ट इस पर वापस टैप करेंगे बॉक्स पर और हम लोग प्लस वाला आइकन पे चलेंगे और एक और रेडियल ग्रेडियंट लेंगे और हम लोग जस्ट अपने फेस पर ही क्रिएट करेंगे ऐसे, और हम लोग अपने फेस पर लाइट देंगे अच्छे से और चलेंगे यहाँ से लाइट एडजस्टमेंट टूल पर
और गाइज हम लोग इसमें शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, सो कुछ इतना, और वाइट को भी हम लोग बढ़ाएंगे। सो मैं इसके वाइट्स को कुछ प्लस तरफ इतना कर लेता हूँ, और हम लोग सिंपली चलेंगे यहाँ से ये कलर्स टूल पे, और गाइज का जो टेम्परेचर है इसको माइनस तरफ करेंगे कुछ इतना, और जो इसका ही हुआ है हम लोग थोड़ा सा इसको बढ़ाना है, सो कुछ ज़्यादा हो गया, 1 तरफ करना है, सो सही है इतना। और इसका जो सैचुरेशन है उसको हम लोग माइनस तरफ कर देना है, सो परफेक्ट है इतना गाइज। उसके बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग यहाँ से एक और रेडियल ग्रेडियंट लेना है, और यहाँ चलना है प्लस वाले गन पे, एक लेना है रेडियल ग्रेडियंट यहाँ से ऐसे, और जस्ट हम लोग यहाँ पर ऐसे क्रिएट करना है। सो ये ऐसे क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर कॉर्नर में, और हम लोग यहाँ से इसको लाइट को बढ़ा देंगे ऐसे कुछ, और यहाँ चलेंगे टेम्परेचर पे और थोड़ा सा टिंट को बढ़ा देंगे इतना, जो कि सही लग रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ से डन कर देंगे गाइज। सो आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पर इतना कलर ग्रेडिंग हो चुका। और गाइज आपको लग रहा हो कि हम लोगों ने कुछ पार्ट्स को छोड़ा है, कुछ चीज़ छोड़ा है, सो हाँ हम लोगों ने छोड़ा अपने फेस का टोन। सो हम लोग वापस चलते हैं यहाँ से कलर टूल पे, यहाँ से कलर मिक्सर टूल पर आएंगे, और हम लोग सिंपली क्या करेंगे गाइज। सो यार जब भी आप अपना फोटो एडिट करो, अपने जो फेस का टोन है उसको लास्ट में एडिट करो, ताकि आपका अच्छा कलर टोन स्किन टोन मिल जाए आपके आपके फेस के अकॉर्डिंग। सो हम लोग क्या करेंगे, सैचुरेशन को डाउन करेंगे, सो मैं कुछ कर लेता हूँ इसको इतना, और लुमिनस को बढ़ा कर कर लेंगे गाइज हम लोग इतना, और ह्यू को करना है माइनस तरफ, सो माइनस इतना। और अब चलना है ऑरेंज टोन पे, और ये हमारा फेस का टोन है, सो हम लोग इसके सैचुरेशन को डाउन करेंगे, तो मैं कुछ इसको इतना डाउन कर लेता हूँ, और लुमिनस को बढ़ा लेंगे हम लोग प्लस तरफ 43 या 44 सही है। और जो इसका ह्यू है इसको हम लोग माइनस तरफ कर लेना है। सो इतना गाइज यहाँ पर डन हो चुका। उसके बाद हम लोग यहाँ से सिंपली डन करना है, और इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करना है, हम लोग चलना है सिंपली यहाँ से इफेक्ट टूल पे, और क्लैरिटी को थोड़ा सा ऐड करना है, सो परफेक्ट है। और डीहेज को हम लोग प्लस तरफ 4 करना है, और जो हमारा विनेट है उसको हम लोग माइनस तरफ करना है कुछ इतना, क्योंकि पहले से ही ज़्यादा हमारे फोटो में विनेट है। सो यहाँ इतना होने के बाद हम लोग वापस चलेंगे डिटेल टूल पर, और यहाँ शार्पनिंग थोड़ा सा बढ़ाएंगे कुछ इतना, और मास्किंग को फुल रखो, और नॉइज रिडक्शन को बढ़ा देना है, क्योंकि जो हमारे फेस के और बाहर भी नॉइज होगा वो ख़त्म हो जाएगा, और ये कलर नॉइज रिडक्शन को बढ़ा देना, ताकि जो हमारा फेस पे अनवांटेड कलर हो वो हट जाएगा। सो यार यहाँ पर ये इतना हो चुका, आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। सो हम लोग यहाँ पर कुछ और करेंगे, जो कि इसको कलर टोन को और थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, तो उसके लिए हम चलेंगे यहाँ से प्रोफाइल पर, जो कि लाइटरूम में इनबिल्ट आता है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर ये इमेज टाइप का, हम लोग यहाँ पर चलेंगे, और ये जो फेवरेट दिख रहा है यहाँ पर हम लोग टैप करेंगे एरो पर, और यहाँ से दिख रहा आर्टिस्टिक पर आना है, और जस्ट हम लोग लेना है ये आर्टिस्टिक 6। और ये लेने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका जो इंटेंसिटी है आप यहाँ से घटा और बढ़ा सकते हो, सो हम लोग इसको घटा देना है, करना है कुछ 45 के लगभग, सो मैं कुछ इतना रखता हूँ। उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ से डन कर देना है। सो यार आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पर टोटल कलर ग्रेडिंग हो चुका। और गाइज आपको पता है प्रीसेट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप पूरा वीडियो देखे होगे तो आपको पासवर्ड पता होगा। सो ज़्यादातर आप मैनुअल एडिट करने के चक्कर में पड़ो गाइज, ये प्रीसेट के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आप प्रीसेट यूज़ करोगे तो आपका पूरा एडिटिंग समझ में नहीं आएगा, बेकार हो जाएगा, सो आप मैनुअल करो। सो यार अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।